बराबर होते हैं, क्योंकि श्रावक हर स्थिति के आते हैं, धनाढ्य भी आते हैं, कमजोर भी आते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा वर्गभेद नहीं है, यदि वो भी आते हैं तो यहाँ पर मात्र 200 रुपये में 24 घंटे के लिए विश्राम कर सकते हैं, कमरा ले सकते हैं। इसमें एसी है? इसमें 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 एसी नहीं है, ये सिर्फ पंखे की व्यवस्था है यहाँ पर और लाइट की व्यवस्था है और गद्दे लगे हुए हैं, पलंग लगा हुआ है। इसके बीच में ही एक हमने बड़ा हॉल था जो यहाँ के स्वर्गीय विजय सिंह जी बैर, जो कि अपने अंतिम पड़ाव में और साधु सेवा में चले गए, खुद साधु बन गए, जिनका के सांसारिक नाम विजय सिंह जी था और साधुत्व में नाम उनका विमल 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 सुमल सागर जी रहा। तो उनका विमल यश धर्मशाला में यहाँ पर वो हॉल बनाया है। अच्छा। जिसमें कि भोजनशाला है। 365 दिन हमारे कुशल कारीगरों के नेतृत्व में यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होती है। ठीक, आइए। अरे वो दादा बाड़ी कितनी क्या? इसको क्या विमल यश भोजनशाला के नाम से रखा है, उनकी यादगार में। इसकी व्यवस्था ये है कि हम 5171 रुपए और लोगों से लेते हैं, चंदे के रूप में लेते हैं। वो अपने पूर्वजों की यादगार में हमको देते हैं और उनकी सब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं फोटो लगी हुई इन्होंने, तो उसकी जो एफडीआर बनी उसका जो हमको डिपॉजिट आया उसकी ब्याज से हम कोशिश करते हैं कि इसको चलाएं। अगर श्रावक यहाँ पर भोजन करता है तो हमने नॉमिनल शुल्क रखा है 60 रुपए प्रति थाली, एक व्यक्ति के लिए 60 रुपए। बाहर के जितने भी हमारे श्रावक आते हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है, वो यहाँ पर भोजन करते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार वो यहाँ पर दे जाते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि कोई भी यदि जैनी भाई आता है और धार्मिक क्षेत्र में खाना खाता है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो कुछ ना कुछ जरूर देकर जाता है। हाँ ठीक है। इसलिए हमने उनको यहाँ से वंचित रखा है और केवल शुल्क हम यहाँ लोगों को लेते हैं। ये सब तस्वीर लगी हुई है जिनके के नाम से हमारे पास रजिस्टर लोग है और उनको जो है 5171 रुपए मिले हैं जिससे कि हम इसको संचालित करते हैं। ओके। कोई तस्वीर न लगाना चाहे तो? तस्वीर लगाना चाहे 5100 रुपए दे के? नहीं, कोई लगाना नहीं चाहे तो? लगाना नहीं चाहे तो उसकी सुविधा गुप्त रखें, वो हम गुप्त में भी रख लेते हैं। अच्छा। हमारे गुप्त दान महादान है और गुप्त नाम से हम कलेक्शन करते हैं। हमारे पास कुछ लोगों के नाम है जिन्होंने गुप्त रूप से हमको रुपया दिया है, ठीक है, तो उनको भी हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं।